क्या कर क्या हो रहा है ये? ओ माय गॉड, फाइनली रोज को टच किया है माइकल ने। ओ भाई, ये क्रिस्टल निकाला अब रोज ने। भाई क्या स्लो मोशन था यार। सो गाइस, ये है फाइनल पार्ट रेसिडेंट एविल विलेज शैडो ऑफ रोज का, और रोज वापस घूम के वहीं पे आ गई है जहाँ पे रोज के फादर ने इस गेम का स्टार्टिंग किया था रोज को ढूंढने के लिए। उसी लोकेशन पे रोज अपनी बड़ी होकर पहुंच चुकी है, और यहाँ पे एक चुड़ैल है। उस चुड़ैल के पास जाए उससे पहले भाई रोज के लिए इन ज़ॉम्बियों से टकराना पड़ेगा। एक गया, ऑलराइट, आइए टकराइए। ठीक है, इस समय हमारे पास है गन जो कि भाई एक ही शॉट में बाहर ज़ॉम्बियों को जाम से मार देती है। ऑलराइट, तू भी आ जा। गया, तो चार ज़ॉम्बी थे जिनको मार दिया है, और एक सिग्नल दे के वो हमारे लिए लेके जा रही है, रोज को लेके जा रही है। पता नहीं है कहाँ पे लेके जा रही है, बट कुछ मार्ग छोड़ते जा रही है अपने, और हमको उसको फॉलो करते हुए जाना है। नहीं, इस साइड नहीं गई, साइड इस साइड गई है वो। ओ भाई, एक यहाँ पे जो हम कोर को तोड़ते आ रहे हैं ना, एक बड़ी कोर है यहाँ पे, उसको तोड़ना है। एक ये दादा का ही लग रहा था, ये ज़ॉम्बी है, मुझे ऐसा लगा कि एक बूढ़ा आदमी से घूम रहा है। हाँ, हालांकि हैं तो सब वो बूढ़े ही, लेकिन देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे बुलेट मिल जाते हैं, तो एक बड़ा कोर है, लास्ट कोर है, उसको तोड़ना है। इसके बाद जो कोर्स का सिस्टम है वो ख़त्म हो जाएगा। ये एक लड़की सी है जो एक ऑटोमेटिक गायब हो जाती है, और भाई गायब होते ही ओ कितनी, यहाँ पे तो ज़्यादा ज़ॉम्बी हैं यार। ओ तीन ही थे, ओ नहीं नहीं पास, ओ भाई, ओ शिट, ओ भाई भाई भाई, हट हट हट, कुछ अबे गन लोड हो जा भाई, लोड। ओ ठीक है, अच्छा हुआ कि आखिरी वक्त तक उसने अटैक नहीं किया रोज पर। तो यहाँ पे वो है आखिरी कोर जिसको भाई हमको ब्रेक करना। ये देख रहे हैं आप कितना बड़ा फूल बना हुआ है यहाँ पे, इतना बड़ा, मतलब ये आखिरी है, ख़त्म होने वाली है, इसके बाद कोई कोर नहीं मिलेगी हमारे लिए आगे। ये लीजिए, एंड यहीं से हमारे लिए कोई रस्त। ये क्या, ऊपर वाली कोर को भी तोड़ पाएंगे क्या? हम देखते हैं, थोड़े पास में जाकर देखेंगे, अभी हम थोड़े ज़्यादा दूर हैं। क्या ये इसको भी तोड़ पाएंगे? यही तो सबका मतलब होता है ना, देवों के देव महादेव, उस तरीके से लग रहा है, कोरों की कोर महाकोर। और ये क्या, नीचे जाना है। ये सब कुछ जो टास्क चल रहा है ना, खाली एक क्रिस्टल है उसको पाने के लिए चल रहा है, और आज फाइनली रोज उस प्योरीफाइंग क्रिस्टल को पा ही लेगी। ओके, यहाँ पे क्या, सर्च द कैव, अब इसको सर्च करना है, इसी में मिलने वाला है कुछ तो। ओ भाई, ये तो ऐसा लग रहा है अंग्रेजों के ज़माने में बना के रखते हैं ना वो। ये क्या आइटम है, ये क्या, ओ भाई ये क्या है, ओ ओ शिट, एक बच्चे जैसे को गिरा दिया भाई उसमें से। ओहो, ये है क्या चीज़ा, ये तो बहुत अजीब चीज़ है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अजीब है यार। और शायद हमारे लिए नीचे ही जाना है, यहीं से हमारे लिए नीचे जाना होगा। और ये बहुत ही अजीब चीज़ है, मालूम नहीं है भाई नीचे क्या होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा शायद, या तो कोई फाइट होगी या फिर कुछ। यहाँ पे ब्लड मिलते हैं, इनको ले लेते हैं, देखते हैं क्या होगा भाई क्या नहीं। यहाँ पे गेम को हम सेव कर देंगे अगर बाई चांस मारे जाते हैं तो, हम ज़्यादा पीछे नहीं जाएँ यहाँ से। ओके, लेकिन होने वाला क्या है, ये है क्या चीज़ यार, समझ नहीं आ रहा है। लेकिन रास्ता इस साइड है, खैर वो तो इग्नोर करते हैं, उसको छोड़ देंगे। वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हमको खुद मालूम नहीं है, एक अजीब ही कुछ टास्क चल रहा था वहाँ पे अपनी दुनिया में। ये तो क्या मिट्टी वाला पानी है, रोज इसके अंदर नहीं चली जाए, नहीं, ऑल राइट, नहीं। ओ भाई, क्या हम क्रिस्टल के पास पहुँच चुके हैं, देखते हैं ये क्या अजीब कैप बना के रखी है, कितनी लंबी चौड़ी है। यहाँ पे वर्कर कहाँ गए सारे के सारे, कौन काम कर रहा था यहाँ पे, ये सारे ज़ॉम्बीज से काम करा रहे थे फ्री में बिना मजदूरी के। ऑलराइट, ओके, ब्लैक गॉड, अब क्या है यहाँ पे, कुछ है क्या, ऐसा लग रहा है बिल्ली के जाने का रास्ता है। ठीक है, नहीं जा पा रहे हैं वहाँ पे, नहीं जा पा रहे हैं, ऊपर ही चलेंगे। ठीक, ये माहौल अच्छा लग रहा है, कोई महारानी जैसा है ना एक तरीके से। ओ भाई, मिल गया फाइनली प्योरीफाइंग क्रिस्टल, ये है भाई जिसके लिए पूरे गेम में हम भागे चले आ रहे थे, ये है, ये ओरिजिनल, एक बार तो हम धोखा खा गए थे इसी के चक्कर में, लेकिन ये ओरिजिनल है। ओ देखा, इसको छूते ही रोज के बॉडी में कुछ बदलाव आ रहे हैं,
यस भाई, काम कर रहा है, यही है असली क्रिस्टल, इस बार कोई धोखा नहीं होगा। ऑलराइट, फाइनली प्योरीफाइंग क्रिस्टल मिल गया है रोज को, जिसके लिए ये क्या, ये क्या भाई, ओ ये क्या हो रहा है, ओ माय गॉड, ओ ओ ओ रोज, I've waited so long for you. यार वीडियो को आप लाइक भी मार दिया करें गाइस, अगर आप बने हैं अभी तक तो प्लीज हिट द लाइक बटन यार। You had become so powerful. Far too powerful for me to subdue directly. चलो मैंने इसको यहाँ पे थोड़ा स्कैप कर दिया है, जो फोटो सीन है। और भाई अब इससे फाइट करनी है रोज को, फाइट करनी है। ओ भाई ये क्या कर, क्या हो रहा है ये, ओ माय गॉड, फाइनली रोज को टच किया है माइकल ने भाई, जो अभी तक माइकल नाम से पुकार रही थी रोज, और रोज के लिए पूरा मतलब गाइड करता आया है इस पूरे गेम में, वो फाइनली आज पहली बार उसने रोज को टच किया है। दोनों भाग रहे हैं और भाई उसके पीछे भाग रही है, क्या नाम था, मिरांडा था क्या। ओ भाई ज़ॉम्बी भी, ओ हो भाई यहाँ से निकल पाना बहुत मुश्किल लग रहा है यार। यस बट राइट नाउ यू नीड टू रन। ओ हो भाई ज़ॉम्बी भी, और एक तो पत्थर भी गिर रहे हैं ऊपर से यार, और ये कैप से निकल पाना, ओ हो बचा लिया भाई फाइनली रोज को माइकल ने। ईथन है एक्चुअली, ये रोज का फादर है फाइनली। थैंक्स, व्हाई डिडंट यू टेल मी हु यू रियली वर, व्हाई डिड यू लेट मी कॉल यू माइकल, आई डिडंट वांट टू कॉम्प्लिकेट थिंग्स, आई जस्ट नीडेड यू सेफ। देखते हैं क्या होता है, क्या ये कैब से निकल पाते हैं सही सलामत, या फिर कोई और भी भाई होने वाला है नाटक है यहाँ पे। अब फाइनली यार रोज के फादर मिले हैं तो वो बिछड़ना नहीं चाहिए। ओ भाई पकड़ लिया उसने, ओहो भाई इसके नाकों, इसके हाथ कैसे यार लकड़ी की तरह, जैसे लकड़ी के हाथ के बना के रखा हो। ओ भाई चपट से हेडशॉट मारा यार उसके, बिल्कुल ये क्या, ये क्या, एक नई दुनिया में, एक माहौल में, शांत वातावरण में पहुंच गए हैं डायरेक्टली। ओ नहीं नहीं नहीं, इतनी आसानी से नहीं जाने देगी वो। Ethan, persistence as always. Dad. Rose, now's your chance. Go live a normal life. Make friends. No one will ever call you a freak again. But Rose, just go. Rose को जाने के लिए बोल रहा है। Rose, go. Save yourself. I love you. But I need to know that you're safe. So please, just Ethan, you insolent pest! I got this. Get out of here. Okay, Rose को जाना होगा, finally जा रही है वो। Oh no, भाई। Oh भाई साहब। Rose, you have to do something. Oh भाई, ये क्रिस्टल निकाला अब Rose ने। भाई क्या स्लो मोशन था यार, डोंट वरी डैड, आई हैव गॉट दिस। यू थिंक योर पावर विल अलाउ यू टू स्टैंड अगेंस्ट मी। अब रोज को यहाँ पे फाइट करनी होगी इसके साथ। ऑलराइट, एडी प्लस ई से हम उसके अटैक से बचेंगे, बट नहीं बच पाए इस बार। ओके तो अब हमारे लिए रोज को उसके साथ फाइट करना है और उसके कुछ अटैकों से बचना है इस तरीके से। लेकिन फाइट कैसे, क्या उसमें गोली मार पाएंगे हम, शायद, और कोई ऑप्शन भी नहीं है। ये इस तरीके से बचना है, ठीक है। ऑलराइट, चलो अब थोड़ी फाइट होगी यहाँ पे,
ओहो, देखना है कौन विनर होगा। विनर तो यहाँ पे रोज को ही होना चाहिए। ये मतलब कौए की तरह उसके पंख उड़ रहे हैं, उसमें गोली लगती है ना, जैसे ये कौए की तरह उसके पंख उड़ जाते हैं कुछ, शायद ऐसे ही उसको मारा जाए। ओहो, ये आग का गोला छोड़ दिया उसने मिरंडा। ये देखो कौए के पंखों की तरह चीतरे उड़ रहे हैं उसके। भाई ये बहुत डेंजर है यार। ले बच गई वो। इसको फाइट करने के लिए ना एक तलवार टाइप की होनी थी, इसके सारे पंखों को काट दी। ये क्या यार, पूरा माहौल ही बदल दिया उसने तो। अबे भाई ये जमीन में से निकल, ये सीधा अटैक करके जमीन के अंदर चले जाते हैं और जमीन से ही निकल रहे हैं। ये यहाँ से निकलेगा ये। ओ भाई कहाँ पे, ये यहाँ से निकलेगा अब शायद ये। ओहो, वापस आ गए उसी दुनिया में हम। और यहाँ पे हमको यार फर्स्ट एड किट यूज़ करनी चाहिए क्योंकि हमारी हेल्थ यहाँ पे बहुत कम हो गई है। तभी ये लाल लाल दिखने लगा है। यस यूज़। वेट करो वेट करो, अबे थोड़ा रखो तो वे फर्स्ट एड किट यूज़ करने दो उसको, इसके बाद अटैक करो थोड़ा टाइम टू टाइम। ये क्या चमत्कार कर रही है यार, इससे कैसे बच जाएगा। हर एंगल पे दे रही है वो तो। कंटिन्यू ऐसे ही चलती रहेगी क्या रोज। शूट, गोली मार रोज, उड़ा इसके चिथड़े। ओहो, खैर इनसे बचा तो जा सकता है बड़ी आसानी से, बट इसके कुछ वो होते हैं उनसे नहीं बच। ये क्या करेगी अब यार। ओके, तीन आग के गोले डालेंगे, उनसे तो हम बच जाएंगे बड़ी आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन और कुछ करती यार। ओ ये अटैक बहुत डिफिकल्ट होता है उसका, डायरेक्टली आके भाई। ये शॉटगन पे हमारे पास बुलेट भी नहीं बचे, अब हमारे पास रिवॉल्वर है, उसी से शूट करना है। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। मिरांडा गो गो। ओ दिस यार, इसके साथ बहुत फाइट हो गई है यार। ओहो, ओ शिट, आई शैल फिनिश दिस। अब फिनिश होने वाली है शायद, कुछ तो होने वाला है। फिर से इसने माहौल बदल लिया है, no ये एक नई दुनिया में ले आई है। और भाई हर तरफ से अटैक, फर्स्ट एड के लिए यूज़ करनी पड़ेगी यहाँ पे। अभी बची, हाँ बची हैं अभी मेरे पास दो और हैं। ओहो, ओ भाई ईथन, रोज के डैड यहाँ पे पड़े हुए हैं जख्मी हालत में। ओ भाई रोज भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा जख्मी हो चुकी है, दोनों को भाई बहुत ज़्यादा जख्मी। बट रोज का फादर कोई पावर दे रहा है रोज के लिए, शायद इस पावर की मदद से रोज उस से जंग जीत पाएगी। ओ नो ईथन, फिर से छोड़ के नहीं जाना है तुम्हारे लिए रोज को। नाउ यू हैव टू डिस्ट्रॉय मिरांडा। रिटर्न एंड यील्ड योर स्ट्रेंथ टू मी। या ये कितनी सी थी यार, ऊपर उड़ रही थी, कितनी बड़ी लग रही थी ये। अब यहाँ पे रोज का पावर यूज करना है उसको डिफीट करने के लिए। यस ये वाला। I'm not a goddamn vessel. Not some stupid copy. I'm me, Rose. And you're done. तो ये गाइस थी आखिरी फाइट। बहुत डरावना लग रहा है यार, ये कितना डरावना था। ये मतलब पूरी राख बना दी है रोज ने उसको।
तो फाइनल यहाँ पे आखिरी फाइट भी फिनिश हो गई है और रेसिडेंट एवल विलेज शैडो ऑफ रोस्ट का भाई ये आखिरी फाइट सीन था। यहाँ पे पूरी फाइट ख़त्म हो जाती है और फाइनली यहाँ पे रोस एंड जो माइकल होता है जो कि उसको गाइड करता है, एक्चुअली में वो इथन ही होता है, रोस का फादर ही होता है, उन दोनों की भी मुलाकात हो जाती है। थोड़ा और रुके रहिए और आखिरी फाइनल देखिए ये क्या हो रहा है, कैसे मिल रहे हैं आखिर, डैड मर गए आप इसके बावजूद कैसे। तो आपके लिए बता दें ये एक कहानी है जो रोज पढ़ रही है, शेडोज ऑफ रोज। और ये अब रोज हकीकत में जा गई है। I'm back. एक ख्वाब में थी रोज। I'm back. तो यहाँ पे थोड़ी देर बाद गाइस इस वीडियो का हो जाएगा दी एंड और इस चैप्टर का भी हो जाएगा दी एंड। खैर यहाँ पे रोज को ईथन एक रिंग देके गया है सपने में ही। तो आई होप गाइस आपके लिए स्टोरी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम मिलते हैं और भी एक न्यू सीरीज के साथ और भी इंटरेस्टिंग गेम्स के साथ। He can touch the moon, it's too far away. Wait, what if he has a rocket ship? Okay, then he can touch it, but it'd be very, very cold. You were being silly. I don't think the moon feels like it. I think it does. Hey, Dad. Happy birthday. Sorry I missed last week. I have a lot of tests coming up. You know how it is. Talk of the goddamn devil. Duty calls. I love you. Yeah, I found her. Where else? Today of all days. We have a situation. You're needed. Evelyn. Don't you ever call me that again. Whoa, it's just a joke, Rose. I can show you things even Chris doesn't know I can do. We have a clear shot. Stand down. I can handle it. Way to keep it together, Rose. You're a lot like him, you know. I know.